SWI 9000 की कैलिब्रेशन, सेटअप और बाकी चीजें सिखाएंगे। सबसे पहले इसका पावर ऑन करते हैं। सबसे पहले हम इसकी कैलिब्रेशन करते हैं। कैलिब्रेशन करने के लिए सबसे पहले इसका यहाँ पे कैल स्विच है, उसको स्लाइड करेंगे, देन उसके बाद फंक्शन का बटन दबाएंगे। E5 आ गया, ये इसका लीस्ट काउंट है डिवीजन, इस वक्त हमने इसको 5 रखा हुआ है। इनपुट का बटन दबाया, D0 आ गया, ये डेसिमल पॉइंट है, हमने डेसिमल पॉइंट नहीं रखा हुआ, नॉर्मली वेबरेज पे लगाते वक्त डेसिमल पॉइंट नहीं रखा है, अगर प्लेटफॉर्म में लगा रहे हैं तो हम इसको 1, 2, 3 या जो भी रख सकते हैं। 1, 2, 1, 0 फिल्टर्स की और 0 की सेटिंग है। 1 इसको ए समझें, 2 जो है ये इसको बी समझें, और 1, 0 ये सी और डी है, इसको एक चैप्टर समझें। ए जो है हमारा वो है 0 रेंज की, मींस अगर हम जो भी कैपेसिटी रखी हुई है और इसकी वैल्यू हम 1 रखते हैं तो 4% ऑफ फुल कैपेसिटी जो है कीबोर्ड से जो है वो 0 कर लेगा। 2 जो है वो उसकी ये समझ लें कि जब ये स्टार्ट होगा, स्टार्ट होने के बाद कितने परसेंट तक वेट को 0 करे। नॉर्मली बेवरेज में हम 1 to 1 0 रखते हैं, अगर उसको किसी टैंक में या किसी ऐसी जगह लगाने हैं जहाँ हमेशा 0 चाहिए और जो भी वेट है उसको शो होना चाहिए, तो हम इसको 1 0 1 0 रखेंगे। और इसी तरह से अगर हमें ज़्यादा वेट को 0 करना है तो ये ए वाली की जो वैल्यू है वो बढ़ाते चले जाएंगे। ये जो 1 0 है ये इसकी जो है वो 0 रेंज है, मीन्स ये कि खाली स्केल के ऊपर जो है वो रीबैक 0 की तरफ आए। आगे चलते हैं हम F के ऊपर फुल कैपेसिटी है, इसको आप री इनपुट करेंगे ताकि आगे जाए। इस वक्त हम इसको 100 टर्न रखते हैं, इनपुट दबाएंगे तो नो लोड आ जाएगा। नो लोड दबाने से इसको स्पैन को खाली रखें या वेबरेज को खाली रखें और इनपुट कर दें, ये 0 कैलिब्रेशन हो गई। उसके बाद हम इसकी लोड कैलिब्रेशन करते हैं या स्पैन कैलिब्रेशन करते हैं। इस पर हमने एक वेट रखा और उसके बाद हमने इसको सेट कर दिया, मिसाल के तौर पे हम इसको कहते हैं कि 1000 kg। सर ऐसा होता है कि जब हम इस पर नया लोड सेल लगा रहे हैं तो हमें चेक करना है कि इसकी काउंट वैल्यू सही है, नेगेटिव में चीज सेंस कर रही, तो उसकी तरकीब ये है कि प्रिंट इनपुट, उसके बाद इसका पासवर्ड है 28, इनपुट का बटन दबाएं, उसकी एक वैल्यू आ गई, उस पर लोड लेकर आए, अगर ये पॉजिटिव में जा रहा है तो कनेक्शन सही है। इसके RS-232C की सेटिंग या कंप्यूटर इंटरफेसिंग की सेटिंग ऐसी है कि प्रिंट सेट दबाएं, उसके बाद 96000 इनपुट, उसके बाद इसका बॉड रेट आ जाएगा। इनकेस अगर बॉड रेट चेंज करना है तो टेयर की कीज़ है, हम इसको चेंज कर सकते हैं और जो भी हमें सेट चाहिए वो रख के इनपुट दबा दें, यस आ जाएगा, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। और नॉर्मली वेब्रिज पे लगाने के लिए IAG सॉफ्ट का उसमें इंडिकेटर होता है D1000, उसके साथ इसकी इंटरफेसिंग हो जाती है। प्रिंटर की सेटिंग करने के लिए हम इसका प्रिंट सेट का बटन दबाएंगे, इसका पासवर्ड है 97, इनपुट ऑटो। ऑटो का मतलब यह है कि ये इसका मैनुअल प्रिंटिंग है या ऑटोमेटिक प्रिंटिंग है। अगर ऑटोमेटिक प्रिंटिंग है तो स्टेबल वेट के ऊपर ये प्रिंट कर देगा, अगर ऑटो की वैल्यू हम 1 रखेंगे। नॉर्मली हमने इसको 0 पे सेट किया हुआ है कि मीन्स अगर हम प्रिंट का बटन दबाएं तो जाके प्रिंट हो। नेक्स्ट टाइप सी, टाइप सी जो है कि इसमें प्रिंटर हमने कौन सा लगाया हुआ है। इस वक्त हम इसमें बिल्ट इन प्रिंटर यूज़ कर रहे हैं तो हमने इसकी वैल्यू 3 रखी है। अगर हम इसका एक्सटर्नल प्रिंटर लगाते हैं, मिसाल के तौर पे एप्सन का या पैनासोनिक का, अगर हम पैनासोनिक का लगाते हैं तो इसकी वैल्यू हमें 2 रखनी पड़ेगी। अगर हम इसमें एप्सन का LQ300 लगाते हैं तो उसकी वैल्यू हमें 5 रखनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर कोई थर्मल प्रिंटर पॉज वाला यूज़ करते हैं तो उसकी वैल्यू 6 रखनी पड़ेगी। से आगे हम चलते हुए इससे का जो वैल्यू है ये हमें बता रही है कि इसको हमने किस तरह से सेट करना है। मिसाल के तौर पे हम इसको एज अ प्लेटफॉर्म पे यूज करते हैं और हम ये चाह रहे हैं कि हम जैसे ही वेट रखें
और उसके वेट रखने के बाद हम उसका एक प्रिंट ले लें जिसमें जो है सीरियल नंबर, डेट, टाइम और सिर्फ वेट आ रहा हो। तो इसकी वैल्यू हम रखेंगे 1000। ये वैल्यू सेट करने के बाद हम मजीद आगे जाते हैं और स्केप कर देते हैं। ये वेट रखने के बाद हम प्रिंट का बटन दबाते हैं तो डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगा। अगर हमें ये सेटिंग करनी है जिस तरह से वेबरिज में होती है कि हम फर्स्ट वेट जो है उसका वेट कर लें और सेकंड वेट का जो है वो अलग वेट हो और ट्रक नंबर भी आ रहा हो, तो फिर हमें इसकी वैल्यू इस तरह से देनी पड़ेगी, प्रिंट सेट 97। और चलते हुए हम आए वाई की वैल्यू, और वाई की वैल्यू फिर हमने रखनी है 000011। सेव करके हम बाहर आ जाते हैं। प्रिंट लेने के लिए वेट रखा हमने, प्रिंट दबाया, गाड़ी नंबर डाल दिया 145। इनपुट गुड पे आने के बाद टाइप प्रिंट का बटन दबा देना, तो ये इसमें जो भी टेयर की भी थी गाड़ी या फर्स्ट वेट था उसका प्रिंट दे दिया। वही गाड़ी जब लोड होकर आई तो प्रिंट गाड़ी नंबर 145 वही डालना है और इनपुट करना है। जब हमारी सीरियल नंबर काफ़ी जमा हो जाती है और हमें उसको रीसेट करना है, तो उसकी तरकीब यह है कि हम सेट प्रिंट, उसके बाद पासवर्ड डालें 72, इनपुट ये क्लियर हो गया। अब जो हमारा प्रिंट आउट निकलेगा वो 1 से निकलेगा। फैक्ट्री रीसेट सेटिंग करने के लिए हम इसका प्रिंट सेट का बटन दबाएंगे और इसका पासवर्ड है 241142। इनपुट का बटन दबाएंगे और ये फैक्ट्री रीसेट हो गया।